السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي آية نمبر 155 بجاتي

माँ जो कसबु उन्होंने कमाएल और अलबत् तहकी उदर गुजर किया अल्लाह ने बेशक अल्लाह तफूर बहुत बख्शने वाला है, है। तफसर देखते हैं क्या बताया जा रहा है क्या बताया जा रहा है कि बेशक वो जो फिर गए तुम में से जिस दिन आमने सामने हुई दो जमाते तो किस दिन की बात हो रही है उसी दिन की बात हो रही है अभी सारा जो मामला है वो जंगे वही चल रहा है उस दिन क्या हुआ था दो जमाते आई थी कौन सी दो जमाते थी एक तो मुसलमानों की जमात थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की में लड़ रहे थे और दूसरी कुफार की जो अबू सुफियान की क्यादत में थे अब क्या हुआ इन दो जमाते जिस दिन आमने सामने हुई तो उस दिन क्या हुआ कि कुछ लोग तुम में से यानी कि मोमिनों में से ही कुछ लोग ऐसे थे जो फिर भागने वाले हो गए फिर गए जो हम्म तो उस दिन तुम में से कुछ लोग फिर गए तो ये जो कुछ लोग तुम में से फिर गए थे क्यों फिरे थे उसका रीजन यहाँ बताया जा रहा है वो क्यों फिरे थे कि बेशक फुसलाया था उन्हें शैतान ने कि शैतान के बहकावे में आने की वजह से ये लोग फिसल गए थे हुँ? शैतान के बहकावे में क्यों आए थे ये लोग क्या रीजन थी हम सब जानते हैं पीछे बहुत पढ़ चुके हैं कि किस वजह से ये हुआ क्यों क्योंकि इन्होंने नाफरमानी की थी आपके हुक्म की अपनी जगह से हट गए थे जहाँ आप सल्लम ने मुतन किया था उनको जगह दी थी कि यहाँ से बिल्कुल मत हटना तो वो हट गए वहां से तो एक तो आप सल्लम की, की इन्होंने फिर दूसरी बात क्या थी कि इनके दिलों में अभी क्या थी माल गनीमत की मोहब्बत थी ना दुनिया की मोहब्बत थी अभी इनकी नीयतें पूरी तरह ये नहीं था कि पूरी तरह दीन के गलबे के लिए खालिश हों अभी थोड़ा बाकी था उनमें दुनिया की, की मोहब्बत का चीज तो एक ये जो है इस चीज की वजह से भी शैतान इन पर गालिब आ गया और तीसरी चीज क्या थी हमने पहले देखा था कि ये फिर तनाजा करने लगे थे ना आपस में झगड़ने लगे थे तो ये सारी रीजन थी कि इन सारे गुनाहों की वजह से शैतान को मौका मिल गया उनको फुसलाने का बहकाने का ठीक है तो क्या बात पता चल रही है खास बात यहाँ से कि शैतान को बहकाने का मौका कब मिलता है कब मिलता है जब इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है और अल्लाह तायत छोड़ देता है उसके हुक्म नहीं मानता तो शैतान को मजीद मौका मिल जाता है बंदों को गु, गु, गुमराह करने का इसलिए आप ने बताया भी ना हमें कि अगर इंसान नेकी के काम करता है तो उस उसे उस नेकी के कबूल होने की दलील ये है कि अल्लाह उसे मजीद नेकी की तोफीक दे देता है लेकिन अगर बुराई करता है तो इस बुराई के बाद बंदे को फिर दूसरी बुराई करने की भी जरूरत पैदा हो जाती है शैतान उसे और बुराई की तरफ ले जाता है तो इसलिए जिस कदर इंसान गुनाह से दूर रहेगा अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचेगा तो उतना ही शैतान उस इंसान से दूर रहेगा ठीक है आगे क्या फरमाया और अलबत्ता तहकीक दरगुजर किया अल्लाह ने उनसे पहले भी हमने देखा था ना कि अल्लाह ताला ने जो है ऐलान कर दिया था कि उन सहाबा को माफ कर दिया था जिनसे गलती हो गई थी अब देखें दोबारा वही बात है कि अलबत्ता तहकीक दरगुजर किया अल्लाह ने उनसे तो जो जंग के मैदान से फरार होना देखे बहुत बड़ा गुनाह कबीरा गुनाहों में से है लेकिन अब दोबारा जब यहाँ बात हुई आ, कि कुछ साहबा तुम में से जो है जंग से फरार हो गए तो फिर अल्लाह ने दोबारा से उनकी माफी का भी दोबारा से ऐलान कर दिया साथ के साथ है ना क्योंकि थे तो ईमान वाले ही ना हालांकि थोड़ी कमियां भी बाकी थी और फिर गफूर हलीम बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला है बहुत बुरद्वार है अल्लाह अपने बंदों की जो है कुताहियाँ गलतियां माफ कर देता है भले ही वो कबीरा गुना का कर बैठे लेकिन जब तौबा करता है सच्ची तोबा तो अल्लाह तब माफ कर देता है गफूर है बहुत ज्यादा और हलीम भी है बहुत बुद्ध हलीम कहते हैं बुढ़दबार यानी कि अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को नाफरमानियों को देखता रहता है फिर भी फ़ौरन पकड़ नहीं कर लेता अल्लाह ताला बंदों को मोहलत देता रहता है मौका देता रहता है कि बंदे रुजू कर लें और तरगीब दिलाता रहता है अल्लाह तक तो रुजू करने की तो ये है अल्लाह ताला की बर्दाश्त हलीम बुरद्वार होना और आप फरमाते हैं कि अल्लाह से बढ़कर कोई सब्र करने वाला नहीं जो बंदों को देखता है कि वो कुफ्र करते हैं नाफरमानिया करते हैं बगावत करते हैं अल्लाह ताला के साथ फिर भी अल्लाह ताला उनको सेहत आफियत रिस्क सब कुछ देता रहता है तो ये अल्लाह ताला की बुरद्वार तो क्या बात समझ में आई कि इंसान जब एक गुनाह में पड़ता है ना तो फिर गुनाह में पड़ता ही चला जाता है फसलता चला जाता है लेकिन अगर इंसान अल्लाह से माफी मांग ले और अच्छे काम करने लगे लग जाए अच्छे कामों में तो फिर अल्लाह ताला पिछली गलतियों को माफ कर देता है क्योंकि अल्लाह ताला बहुत गफूर और रहीम है सुभान अल्लाह नेक्स्ट आयप आते हैं आयत नंबर वन फिफ्टी सिक्स आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो ला तकुन का लजी ना तुम हो जाओ उनकी तरह जिन्होंने कुफर किया। और उन्होंने कहा कानू या थे वो गुजल लौकाना या थे वो गाजी लौकान इंदना अगर होते वो पास हमारे माँ मातू ना वो मरते व माँ कोतीलू और ना वो कतल किए जाते और अल्लाह युही जिंदा करता है वही युमीत और वो मौत देता है वल्लाहु और अल्लाह बिमाता बसीर उसे जो तुम अमल करते हो खूब देखने वाला है इसका तर्जुमा था तो अब इस आयत में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अल्लाह ताला बता रहे हैं क्या कह रहे हैं हम ईमान वालों को खिताब करके कहा जा रहा है या यू लजीना मनु गौर से सुनो क्या बताया जा रहा है क्या बताया जा रहा है ना तुम हो जाओ उनकी तरह जिन्होंने कुफ्र किया उन लोगों की तरह मत हो जाओ जिन्होंने कुफ्र किया क्यों क्या कह रहे थे ये लोग और इन कुफ्र करने वालों की तरह क्यों मत हो जाओ क्योंकि ये जो कुफर करने वाले हैं ना ये अल्लाह पर अल्लाह की लिखी तकदीर पर यकीन नहीं करते हैं ईमान नहीं लाते हैं इन सब चीजों पे तो ये कुफर करने वाले चाहे खुले काफिर हों या फिर मुनाफिक मुनाफिक भी तो काफिर ही की कैटेगरी है तो यहाँ बेसिकली इस आयत में इशारा है कि मुनाफिकों की तरह मत हो जाओ तो जंग के हिसाब से देखें तो वो मुनाफिक जो जंग में पीछे रह गए थे तो उनकी मुशाहबत इख्तियार करने से मना किया जा रहा है एह ईमान को क्यों क्योंकि इन मुनाफिकों का क्या अमल था क्या बातें थी इन मुनाफिकों की क्या कहते थे ये लोग वो अपने भाइयों से कहते थे कौन से भाई की बात हो रही है अब ये भाई जो है नस्ब के हिसाब से भाई हो सकते हैं मतलब खून के रिश्ते होते हों सगे भाई हों या कौमी कबीले के लोग जो गए थे जंग में वो उनके भाई हो सकता है कि कौमी कबीले के हिसाब से भाई कह रहे हैं या फिर अः ये एहत के हिसाब से दीन के लिहाज से मुनाफिक भाई तो वो अपने भाइयों से क्या कहते थे क्या तर्ज अमल था उनका इजा फिल अर्दी जब जब वो चले जमीन में जब उन्होंने सफर किया जमीन में जरब तो वैसे कहते हैं ना मारने को कहते हैं लेकिन यहाँ मुराद क्या है चलना फिरना सफर करना हम्म तो जब और सफर किया जमीन में किस लिए सफर कर रहे हैं वो लोग या तो तिजारत के लिए इंसान निकलता है अपने घर से किसी दुनियावी काम के लिए है ना या फिर इसके लिए भी निकलता है जंगों के लिए भी निकलता है है ना किताल के लिए तो इसलिए फरमाया जब वो चले फिर जमीन में या थे वो गुस्जन गाजी लड़ने वाले या थे वो जंग करने वाले गाजी तो ये मुनाफिक क्या कहते हैं क्या कहते हैं ये मुनाफिक लऊकान इन दना मामातूँ व मा खुतिलू अगर होते वो हमारे पास ना वो मरते ना वो कतल किए जाते कि अगर वो जंग पर या सफर पर नहीं जाते और हमारे पास ही ठहरे रहते तो ये मरते नहीं सफर में मर नहीं जाते और ना ही कत्ल किए जाते जंग में और क्योंकि ये जो है सफर पर निकल गए जंग पर निकल गए इसलिए ये जो है कत्ल हुए हैं अब देखें इस आयत में क्या बताया जा रहा है सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट बात है क्या बताया जा रहा है अल्लाह तशाबहत इन काफरों की मुशाबहत से मना कर रहे हैं अब ये मुशावहत क्या हो सकती है ज़ाहिरी भी हो सकती है और बातनी भी हो सकती है ज़ाहिरी तो सब हम लोग जानते हैं कि जैसे शक्ल सूरत उनके जैसी इख्तियार कर लेना उनके जैसे लिबास इख्तियार कर लेना उनका जैसा कल्चर अपना लेना ये सारी चीजें और बातनी जो स्पेशली होती है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि उनका जैसा अकीदा दीन में उनका जैसा अकीदा रख लेना उनके जैसे अकीदे उनके जैसी सोच हम अपना लें या फिर उनके जैसे अमाल उनका जो काम कर रहे हैं वैसे ही काम हम करने लगे दीनी मामले में या और इवन उनके अक्वाल जो उनकी बातें हैं उनकी से भी मना किया गया है काफिरों की तरह की बातें करने को भी मना किया गया है कि ऐसे बातें ना करो जो काफी काफिर लोग करते हैं ये मुनाफिक लोग करते हैं सूर्य में भी आयत नंबर फिफ्टी वन में अल्लाह ताला ने साफ, साफ कह दी ये बात क्या फरमाया जो कोई उनसे दोस्तिया करेगा तो वो फिर उन्हीं में से होगा और हदीस में भी हम हमें पता है ये बहुत कॉमन हदीस हम सब सुन चुके हैं। आप ने क्या फरमाया मंत बन बम जो भी जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है तो वो फिर उन्हीं में से होता है उन्हीं जैसा उन्हीं में से वो जो है आ, शामिल किया जाएगा फिर वो तो काफिरों की मुशाहबहत जो होती है ना ये बहुत बड़ा जुर्म होती है हम लोग इसे समझते नहीं है बाज़ वक्त तो ये उनकी मुशहत इख्तियार करना बाज़ वक्त इंसान को इस्लाम से ही फेर देता है इस्लाम के दायरे से निकाल देता है इसलिए अल्लाह ताला ने मना फरमाया है कि उनके जैसी बातें नहीं करो उनके मुशाबहत इख्तियार मत करो हम्म और उनकी देखें ये जो बातें हैं ना इन मुनाफिकों की काफिरों की कि क्योंकि आ, गया गया कि इन्होंने ऐसा किया क्योंकि ऐसा किया तो ऐसा हो गया ऐसा था तो इसलिए ऐसा हो गया ऐसा ना किया होता तो ऐसा ना होता तो ये मुनाफिक काफिर क्या है सिर्फ ज़ाहरी चीज़ों पर तबसरा करते हैं जो सामने सामने दिख रहा होता है ना उस पर बस और वो ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि उनका अल्लाह ताला पर अल्लाह ताला की लिखी तकदीर पर ईमान नहीं होता हम्म तो तकदीर पर ईमान होना तो बहुत जरूरी है ईमान का हिस्सा है ना ये जिंदगी मौत सेहत बीमारी रिस्क सब किसके हाथ में है सब किसके फैसले अल्लाह ताला के फैसले है ना ये सब तो तो जिसको अल्लाह जब तक चाहे जिंदगी दे और जब चाहे मौत दे दे मौत की जगह भी अल्लाह ताला ने लिख रखी है कि कौन घर में मरेगा कौन बाहर मरेगा कौन तजारती सफर पर रास्ते में मर जाएगा कौन जंग में जो है शहीद हो जाएगा सब अल्लाह ताला ने लिख रखा है लेकिन मुनाफिकीन तकदीर पर भरोसा नहीं करते थे इसलिए फिर वो इन अल्फाजों में अफसोस कर रहे हैं कि काश वो ना जाते तो ना मारे जाते तो गौर करने की बात क्या है गौर करने की बात यह है कि आज हम मुसलमानों में भी ऐसी बातें ऐसे जुमले कितने ज्यादा कॉमन हो गए हैं ना अब देख लें कहीं हम किसी फौत में जाते हैं कोई फौत हो जाता है वाजियत के लिए जाते हैं तो ऐसे ही सब जो है सभी लोग ज्यादातर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हसरतें कर रहे होते हैं हसरत जता रहे होते हैं अपनी कि काश वो ये ना करता तो ऐसा ना होता काश वो ऐसा कर लेता तो फौत ना होता तो ये किस जैसी बातें हो गई हैं ये तो बज़ाहिर इसबाब होते हैं ना मौत तो सब पर आनी है और वैसे ही आएगी मौत और उसी जगह आएगी जहां अल्लाह ताला ने लिख दिया जिस तरीके से अल्लाह ताला ने लिख दिया वो वैसे ही आनी है बाकी सब तो इस्बाब बनते हैं बस तो ऐसी बातें करने से इंसान को कि गम और हसरत और नदा, नदामत में सिर्फ इजाफा होता है ना बाकी कोई फायदा नहीं मिल रहा होता इंसान को बल्कि ऐसी बातें कर करके अल्लाह ताला को नाराज़ कर रहा होता है इंसान क्योंकि तो वो अल्लाह ताला के फैसले को कबूल नहीं कर रहा होता तो इसलिए ऐसी बातें करने से इंसान को क्या है दुनिया का भी नुकसान है और आखरत का भी दुनिया का नुकसान क्या है कि मज़ीद उसके दिल में वो हसरतें वो गम और बढ़ता चल जाता है और आखिरत का तो है कि वो अल्लाह ताला को नाराज कर रहे हैं ऐसी बातें करके हम्म तो अल्लाह ताला आगे इसीलिए क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला कह रहे हैं लियज अलल्लाहु ذالिका حسراتا في قلوبهم ताकि बना दे अल्लाह उसको हसरत का सबब उनके दिलों में उनके दिलों में अफसोस का जरिया बना दे इन बातों को तो बातों का भी असर होता है ना इंसान पे मौत जो है हालात बदलने की वजह से नहीं आती कि जंग में जाने से मौत आ जाएगी या सफर पर निकल गए तो मौत आ जाएगी बल्कि क्या फरमाया वाहत वा और अल्लाह जिंदा करता है और वो मौत देता है जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है और एक मुसलमान का अकीदा भी यही होना चाहिए जैसे कि हमने पीछे से पिछले हाथ में क्या पढ़ के आए थे हम कि जिन लोगों को मौत का वक्त आ गया है वो अपने घरों में भी होते तो वो किसी न किसी बहाने वहां अपने अ, वो फौत होने की जगह पर अपने कत्ल होने की जगह पर वो पहुंच जाते वो निकल जाते अपने घरों में से पढ़ा था ना हमने पहले तो यही बात हो रही है कि युही व युमीत फिर वह बीमा बसीर और जो कुछ भी तुम कर रहे हो अल्लाह उसे खूब देख रहा है तुम्हारी बातों को भी खूब देख रहा है कि तुम क्या बातें कर रहे हो हमारे हर अमाल को हर हर अमायल को अल्लाह ताला देख रहा है तो क्या सबक मिले शायद से बहुत सारे सबक मिले शायद से है ना बहुत इंपॉर्टेंट सबक क्या कि मोमिन ये इस तरह के जुमले जो होते हैं ना काश काश करके जो कहते हैं तो ये इस तरह की बातें जो होती हैं ये मोमिन को जेब नहीं देती है हुँ? तो मोमिन का क्या तर्ज अमल होता है मोमिन क्या कहता है जो अल्लाह ने चाहा वो हो गया और जो नहीं चाहा वो नहीं हुआ ये तो अल्लाह अल्लाह की मर्जी है है ना तो ये काश जैसे जुमले हमें इस्तेमाल नहीं करने हैं ये कमजोर अकीदे वाले लोग जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं हमें क्या करना है अल्लाह ताला अल्ला के फैसलों को खुशी से कबूल करना है क्योंकि अल्लाह ताला के फैसले अल्लाह ताला अल्ला की जो भी प्लानिंग है उसमें हमारे लिए खैर ही खैर है भले ही हमें जो है फिलहाल लग रहा है कि इसमें हमारे लिए जो है बुरा है शर है लेकिन असल में हर चीज में अल्लाह तला की हर चीज में हमारे लिए खैर होती है तो हमें जो है उसको खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए और तकदीर पर ईमान बहुत जरूरी है और तकदीर पर ईमान तो जरूरी है लेकिन ये नहीं कि फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए हदीस में क्या आता है यानी के आप फरमाते हैं उन चीजों की हिर्स रखो जो तुमको फायदा दे और अल्लाह से मदद मांगो और आजिज होकर मत बैठ जाओ यानी कि ये नहीं कि फिर दुनिया में बस कोई काम ना करे कि जो मिलना है मिल जाएगा जो चीज़ फायदे की होती है दुनिया के एतबार से भी और आखरत के एतबार से भी उनकी हमें हिर्स रखनी चाहिए और उसको जो फायदा दे रहा है हमें उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए हाथ पैर मारने चाहिए और उसके मिलने के लिए अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए अल्लाह से मदद भी मांगनी चाहिए और हाथ पे हाथ रख कर बैठ नहीं जाना चाहिए आजिज होकर मत बैठ जाओ जो करने के काम है वो करो कोशिश करो और फिर नतीजा जो है अल्लाह ताला पर छोड़ दो अल्लाह ताला पर तवक्कल करो और जो भी नतीजा सामने आए उसको एक्सेप्ट करो खुशी के साथ कोशिश तो हमने कर ली लेकिन होना वही है जो अल्लाह ताला चाहेगा हमारी किस्मत में जो है वही होगा ठीक है अच्छा और क्या बात समझ में आ रही है इसमें अल्लाह यही व उम्मीद कि अल्लाह ताला ही जिंदगी देता है और अल्लाह ताला ही मौत देता है सब अल्लाह ताला के हाथ में है ना तो जैसे हम देखते हैं एक बार क्या हुआ आप एक दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे तो वहां से एक बद्दू गुजरा तो उसने देखा आप सल आराम कर रहे हैं तो वो तलवार तान कर खड़ा हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कहने लगा आपको मुझसे कौन बचाएगा तो आप सलासलम ने मजबूत लहजे में जवाब दिया कि अल्लाह मुझे बचाएगा तुझसे तो उस बद्दू पर इतना रोब तारी हुआ इतनी हैबत तारी हुई कि तलवार उसके हाथ से गिर गई और बैठ गया वो अब आप ने वो तलवार उठाई और पूछा कि अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा तो वो बोला आप बचाएंगे आप ने फरमाया कि तुझको भी मुझसे अल्लाह ही बचाएगा तो देखें ऐसी होती है मोमिन की ताकत मजबूत अकीदा, अकीदाद कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक अल्लाह तजन ना हो ठीक है चले नेक्स्ट आयत देखते हैं वला इन क़ुतिलतुम और अल्बत्ता अगर क़तल किए जाओ तुम इसा बिलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में आओ मुत्तुम या मर जाओ तुम लमोगफिरतुम मिन अल्लाह व रहमा अल्बत्ता बख्शीश इला की तरफ से और रहमत खैरुम बिमा यजमाउन बहुत बेहतर है उससे जो तुम उससे जो वो जमा कर रहे हैं अब यहाँ पर उन लोगों का अजर और मर्तबा बताया जा रहा है जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाते हैं शहादत पा जाते हैं हुँ? या फिर अल्लाह की राह में कतल भी ना हो नॉर्मल भी उनको मौत आ जाती है तो जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल होते हैं अब चाहे वो मैदान जंग में कत्ल हो रहे हों, या फिर अल्लाह के दीन की दावत में निकले हुए हैं नेकी का हुक्म देने में लगे हुए हैं बुराई से रोकने में लगे हुए हैं लोगों को हक का बयान कर रहे हैं कुरान और सुन्नत की दावत दे रहे हैं और इल्म सीखने के लिए निकले हैं या सिखाने के लिए निकले हैं और रास्ते में अगर उनको मौत आ जाती है या कोई जालिम उनको कत्ल कर देता है तो ये कत्ल करना क्या है अल्लाह की राह में और अल्लाह की राह में कत्ल होना इसका माहौम काफी वसी है, है ना तो जिसका निकलना इसलिए हो कि अल्लाह का कलिमा सर बुलंद हो अल्लाह का दीन बुलंद हो तो वो अल्लाह की राह में निकलना है वो कोई भी काम हो सकता है तो जो भी इस राह में निकलता है और अगर मर जाता है कत्ल कर दिया जाता है नॉर्मल उसको अपनी मौत भी आ जाती है अगर या फिर कत्ल कर दिया जाता है तो दोनों ही हालत में अल्लाह ताला का अजर साबित हो जाता है उस इंसान का और अजर क्या है अजर भी माशाल्लाह बहुत बड़ा अजर क्या है मिन उनके लिए क्या है बख्शिश है और रहमत है अल्लाह की तरफ से ये बख्शिश और रहमत उस सबसे बेहतर है वो जो ये इकट्ठा कर रहे हैं ये भी बता दिया साथ में ये जो मफरत और बख्शिश मिलने वाली है और रहमत मिलने वाली अल्लाह तरफ से बेहतर उससे जो वो जमा कर रहे हैं क्या जमा कर रहे हैं जो ये दुनिया के मालूमता को जमा करने में लगे हुए हैं देखिये इंसान की मौत जो है ना ईमान पर हो अल्लाह के रास्ते में हो तो ये उसके लिए दुनिया की ढेरों दौलत से बेहतर है इससे बढ़कर और कोई क्या होगा कि अल्लाह ते को माफ कर दे उसे बख्श दे उससे राजी हो जाए हाँ अपनी रहमत बंदे पर कर दे और उसे अपनी रहमत की वजह से जन्नत में दाखिल कर दे इससे बढ़कर और क्या चाहिए इंसान को तो देखें इस आयत में भी तसल्ली दी जा रही है कि मौत से मत डरो, मत घबराओ अगर तुम अच्छे काम करते हुए इस दुनिया से जाओगे अल्लाह की राह में मौत आ जाए या कत्ल कर दिए जाओ तो जो मिलने वाला है ना वो बहुत बड़ी चीज है मगफिरत और वो भी कहाँ से मिन अल्लाह अल्ला की तरफ से इतनी अजीम हस्ती की तरफ से और क्या रहमत और अल्लाह की रहमत क्या है जन्नत तो क्या सबक मिले इस आयत से इंसान की जो नज़र है ना दुनियावी चीजों मालूमता पर नहीं रहनी चाहिए इनमें अपनी जान को ना खपाते रहें गवाते रहें सारा अपनी जिंदगी इसी में लगा दें बल्कि इंसान को क्या है सबसे बढ़कर ऊंचे मकासद रखने चाहिए अल्लाह को राजी करने के काम करने चाहिए वो काम करें जिसके जरिए अल्लाह की रहमत पा सके है ना दुनियावी चीजें जो भी इंसान जमा कर रहा है वो तो साथ नहीं ले जा सकता मरते वक्त तो सब यही छोड़ के जाना पड़ेगा इल्ला ये कि वो जीते जी जो है अपने लिए उसने कुछ सामान आगे भेजा हो आकरत के लिए वो तो चलो काम आ जाएगा उसके लेकिन बाकी तो वो सब जो भी जमा कर रखा होगा सब यही छोड़ के चला जाएगा अकेला कबर में चला जाएगा सिर्फ अपने अमाल के साथ तो दुनिया तो हकीर चीज़ है चंद दिन की लजतें हैं सब खत्म होने वाला है और इसके बरक्स जन्नत जन्नत क्या है जिसमें एक कोड़ा रखने की जगह दुनिया और माफिका से बेहतर है तो क्या अच्छा है जन्नत ना तो इंसान को उसी के लिए मेहनत करनी चाहिए ज्यादा ठीक है अच्छा नेक्स्ट आयत पे आ जाते हैं आयत नंबर वन क्या बताया जा रहा है इसमें वाला इमु तुम और अलबत् अगर मर जाओ तुम अतिल तुम या कतल किए जाओ तुम ला लाही तरफ अल्लाह के तुम इकट्ठा किए जाओगे एक और हकीकत का बयान है यहाँ पर कि मरना तो है ही हर किसी को अब चाहे किसी भी तरीके से मौत आए चाहे तो अल्लाह के रास्ते में निकलने पर मौत आए अजीम काम करते हुए मौत आए अल्लाह के रास्ते में कतल हो जाए इंसान या फिर दुनिया के काम काज करते हुए बिस्तर में मौत आए या सफर में तजारती चीजों में बिजनेस वगैरह करते हुए मौत आए किसी भी तरह मौत आए तो लौटना तो ही की तरफ है इकट्ठा तो अल्लाह ही की तरफ किए जाने वाला है हर इंसान और उसी के सामने फिर हिसाब किताब भी देना होगा तो क्या पता चला मौत अल्लाह के रास्ते में आ जाए तो फिर उससे बढ़कर और कोई नेमत नहीं है इंसान को तो इंसान को क्या होना चाहिए हमें क्या होना चाहिए अल्लाह के पास जाने का शौक होना चाहिए हमें अल्लाह की मुलाकात का शौक होना चाहिए क्योंकि हदीस में भी ने क्या बताया कि जो अल्लाह से मिलना चाहता है तो अल्लाह भी उससे मिलना चाहता है और जो अल्लाह से नहीं मिलना चाहता तो अल्लाह भी फिर उससे मिलने का कोई शौक नहीं लगता तो हमारी तमन्ना क्या होना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको अपना दीदार कराए और ये तभी होगा जब हम

और अगर होते आप तन सख्त दिल लन तो हो जाते आपके पास से फाफू बस दरगुजर कीजिए अनहुम उनसे बस तोफ़िर और बख्शिश मांगे मुन उनके लिए वशाविर हम और मशवरा कीजिए उनसे फिल अमर मामले में फ़ाइज़ा आजम फिर जब पुख्ता इरादा करें आप तो तवक्ल अल्लाह तो तवक्ल कीजिए अल्लाह पर इन अल्लाह बेहिबुलतव के लिए मोहब्बत रखता है तवक्ल करने वालों से अब इस आयद की मुनासबत अगर हम जंग की मुनासबत से देखें देखे जब कुफ्फार ने दोबारा अचानक हमला किया ना मुसलमानों पर जिसके लिए मुसलमान बिल्कुल तैयार नहीं थे तो जैसे हम पीछे देख चुके हैं ना कि बहुत से मुसलमान जंग से फरार हो जाते हैं भाग जाते हैं और ये देखा जाए तो बहुत बड़ा जुर्म था तौर पर भी और ये बात आप और दूसरे मुसलमानों के हक में भी एक बड़ा जुल्म था है ना कि ये लोग किस तरह अपने साथियों को जंग में छोड़कर जो है चले जा रहे हैं भागे जा रहे हैं आप पीछे से बुला रहे हैं कि मेरी तरफ आओ मेरे या अल्लाह के बंदो फिर भी जो है आ, आ, वो सुनी नहीं रहे थे और अपनी मदोशी में भागे जा रहे थे तो देखे इतनी बड़ी नाफरमानी की थी और इतने बड़े बड़े फिर नुकसान उठाने पड़े थे मुसलमानों को तो इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत की वजह से आप उन पर नरम दिल हो गए कबीमा रहमतिम मिनल्लाहि लिमता लहुम अल्लाह ताला की रहमत की वजह से आप उनके लिए नरम हो गए कि इतना बड़े-बड़े बड़े, बड़े, बड़े नुकसान इन उन लोगों की वजह से हुए फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की कोई डांट डपट नहीं की कोई तानों मलामत नहीं की उनकी कि क्यों भागे क्यों फरार हुए क्यों मेरा हुक्म नहीं माना है ना ऐसा कुछ नहीं हुआ ना तो ऐसा क्यों एक तो पहली बात यही थी कि अल्लाह तला ने खुद उनको माफ कर दिया था जैसे हमने पीछे देखा और दूसरी बात कि अल्लाह तला ने आप के दिल में सहाबा के लिए खास शफकत शव, नरमी मेहरबानी रखी हुई थी ठीक है आप तो देखे आलमीन थे ना सारे तमाम जहान के सब इंसानों के लिए जानवरों के लिए हर किसी के लिए जो है रहमत बनकर आए थे इवन काफिरों और दुश्मनों से भी रहम का मामला करते थे आप लेकिन खसूसी तौर पर अपने साथियों के लिए बहुत नरम थे लेनता बहुत ज्यादा नरमी और वो क्यों थी अल्लाह की रहमत की वजह से अल्लाह ने डाली थी तो इसलिए यहां को खिताब करते हुए अल्लाह तला फरमाते हैं कि बाबा रहमत के अल्लाह की तरफ से आप नरम हो गए उनके लिए और नरमी कैसी थी आप सोलम की हर चीज में नरमी बात करने में मुलाकात करने में सबसे उनसे मामला है ना इसलिए जब जंग के मौके पर भी आप उनके लिए नरम ही रहे कोई सख्ती नहीं दिखाई आप अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं आपके लिए इनकी नजीम क्या आप बहुत अजीम अखलाक के मालिक हैं अब देखे जब आ, हजरत आयशी तहा से भी पूछा गया कि आपका आपका अखलाक क्या था तो क्या फरमाया का सॉरी यहाँ की आपका अखलाक तो कुरान था चलते फिरते कुरान थे तो अल्लाह की रहमत की वजह से ये नरमी पड़ी थी आपके दिल में और ये जो बात है ना इससे हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह की रहमत की वजह से इससे ये मालूम हो होता है कि अच्छे अखलाक और किरदार ये भी अल्लाह ताला की तरफ से अता होते हैं है ना हदीस में भी बयान आता है कि अल्लाह ने जिस तरह बंदों में रोजियां तकसीम की हैं इसी ऐसे ही बंदों में अखलाक और किरदार भी तकसीम किए हैं तो अल्लाह ने ये तकसीम किए हैं लेकिन ये भी जो है ना अल्लाह की हिकमत पर है अल्लाह ताला जिसे देखता है कि जो जिस किरदार के लायक है ना अल्लाह ताला उसको वैसा ही किरदार देता है लेकिन फिर यह बात भी है कि इंसान अगर कोशिश करे ना मेहनत करे तो अल्लाह की तौफीक हो जाती है और वो अपने किरदार को अच्छा कर सकता है जैसे कि हदीस में भी है क्या फरमाया विद्लम वम यानी कि इल्म सीखने से हासिल होता है और बुढ़द बर्दाश्त तब हासिल होती है जब इंसान उसको अपनी तबीयत बना लेता है अपनी आदत बना लेता है यानी कि ये एक्वायर भी की जा सकती है मेहनत करके अपने ऊपर अपने आप को चेंज किया जा सकता है अल्लाह ताला की तौफीक हो जाती है वो इंसान चेंज हो जाता है ठीक है समझ आया अच्छा अब आगे क्या फरमाया आगे फरमाया अगर होते आप तंदू सख्त दिल ये फसजन फसजन मतलब तंदकू बद अखलाक अगर आप बद अखलाक होते और ये गलीजल सख्त दिल होते ये गलीज अलकलबी का क्या मुराद है क्या है इसका क्या मतलब होता है गलीजुलबी का मतलब होता है संग दिल सख्त दिल यानी कि जो किसी चीज से मुतासर ही ना होता हो ऐसा इंसान जो किसी पर रहम ही ना करे जो लोगों के हालात देखकर मामला ना करे लोगों से जो रूखे मिजाज का हो जो लोगों से सीधे मुंह बात ना करे मुंह मोड़ कर रखे लोगों से तो अगर आप ऐसे होते कलीजल कल्बी होते तो क्या होता मिन तो आपके जो ये सहाबा है ना जो आपके साथ ही बने हुए हैं और आपकी हर चीज में आपका ताउन कर रहे हैं आपकी मदद कर रहे हैं आप हर चीज में अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं अगर आप ऐसे होते तो ये आपके साथ रहना पसंद नहीं करते बल्कि आपसे मुंतशिर हो जाते आपसे बिखर जाते आपका साथ छोड़ देते ये ठीक है तो ये अल्लाह ताला बता रहे हैं एक तो आप की हम सिफात पता चल रही है इससे और आगे क्या फरमाया फाफोफर पहली बात क्या बताया फाफो कि उनसे दरगुजर करो अफू अफू क्या होता है माफ करना बदला ना लेना माफ भी कर देना और बदला भी ना लेना तो उनसे दरगुजर करो उनको माफ कर दो इनसे जो जंग में गलती हो गई है ना उसको आप भी माफ कर दो जैसा कि अल्लाह ताला ने माफ कर दिया और अमूमन भी हर तरह के मामला में इनसे दरगुजर करो इंसान है ना इंसान से गलती हो जाती है और फिर वस्तक फिर लहू और बख्शिश मांगी है उनके लिए अल्लाह ताला तत्संग को कह रहे हैं कि आप उनके लिए दुआ कीजिए उनके लिए बख्शिश तलब कीजिए और देखें जो इंसान गलती कर रहा है नुकसान पहुंचा रहा है दिल दुखा रहा है फिर उसी के लिए जो है हम एक तो माफ कर रहे हैं माफ करने के अलावा उस इंसान के लिए दुआ भी कर रहे हैं है ना तो कितनी बड़ी बात है ना ये बड़े हौसले की बात है कि आपको सताया भी जाए फिर उसके लिए आप दुआ भी करें कि कहीं इस इंसान की आखिरत में पकड़ना हो जाए तो इसलिए अभी हम हम माफ़ भी कर देते हैं और अल्लाह से भी माफी मांग लेते हैं इसके बिहाफ पे बहुत बड़ी बात है ये है ना और देखिए क्या बात हो रही है यहाँ पे बोला गया है वस तग फिर उनके लिए बख्शिश तलब करो इस बात से हमें एक इम्पोर्टेंटी अकीदे की बात पता चल रही है यहां ये नहीं कहा गया वोम कि उनको माफ कर दो बल्कि क्या फरमाया गया इस तक फिर लहुम कि उनके लिए बख्शिश मांगो इससे क्या पता चलता है हमें कि आप ससम के हाथ में किसी की बख्शिश करने का इख्तियार नहीं है बख्शिश करने का इख्तियार तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, ठीक है फिर आगे क्या फरमाया और क्या अल्लाह ताला कह रहे हैं? समझते वशा विर हम फिल अमर और मशवरा कीजिए उनसे मामले में मामलात में उनसे मशवरा कीजिए यानी आइंदा भी इनसे मशवरा करते रहिए ऐसे नहीं कि इस बार इनसे मशवरा किया और मशवरा फिर फायदेमंद नहीं हुआ कामयाबी नहीं मिली और गलती भी की इन्होंने तो आगे इन लोगों से अब गलती कर दी है तो मशवरा ना करें बल्कि आगे भी मशवरा कीजिए इनसे तो इस साथ में हमें ये पता चल रहा है कि इंसान से गलतियां तो हो जाती हैं लेकिन अगर जिंदगी को खूबसूरती से गुजारना है ना तो फिर इंसान को दूसरों की गलती को माफ भी कर देना है दरगुजर भी कर देना है और आगे भी मिलजुल के रहना है एक ही बात को लेकर जो है सीने से लगाकर नहीं बैठ जाना है अगर ऐसा इंसान करेगा तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ सकता कामयाबी पा ही नहीं सकता और मशवरा भी करना है इनसे आगे चल के और ये मशवरा करने की जो बात है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि अहम फैसलों में मशवरा करो ऐसे काम स्पेशली जो हर किसी से ताल्लुक रखते हैं ना उनमें बल्कि ये जो मशवरा करना है ना ये अहले ईमान की खूबी होती है कुरान में भी आता है क्या आता है व आमा शूराबी थर्टी एट है सुर अलशुरा की वरूह शूराब नहम की उनके मामला आपस के मशवरे से तय होते हैं किसके ईमान वालों के तो ईमान वालों की खूबी होती है मशवरा करके कोई काम करना और हाँ मशवरा जो है ना उन चीजों में लिया जाता है जिसमें कुरान और सुनत से कोई खास रहनुमाई नहीं आई होती है ऐसी चीजों में मशवरे की जरूरत नहीं होती जिसमें ऑलरेडी अल्लाह तला ने कोई हुक्म नापिस कर रखा होता है शराय अहकाम के बारे में मशवरे नहीं होते बल्कि तदबीरी इंतजामी मामला में मशवरे होते हैं ठीक है और आप सल्लम आप अपने साहबा से खूब खूब मशवरे लिया करते थे हालांकि देखें आप सल्लम कितने अजीम नबी थे और कितने बेहतरीन लीडर थे देखा जाए तो हम सोचे कि क्या जरूरत थी मशवरे की लेकिन ये उनका बुलंद अखलाक उनकी वसत नजर ये सब जाहिर करता है बहुत ज्यादा साहबा से मशवरा किया करते थे अबूर हुरर रजी अल्लाह कहते हैं कि मैंने आप से बढ़कर कोई भी मशवरा करने वाला नहीं देखा मतलब बहुत ज्यादा मशवरा किया जा करते थे योम बदर पर भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया साहबा से तो आप आपसे क्या कहा साहबा इकराम ने कि आप हमें समुन्द्र में कूदने का हुक्म दे दें तो हम उसके लिए भी तैयार हैं तो ये होता है फायदा मशवरे का फिर इंसान को उनसे दूसरी पार्टी से पूरा पूरा ताउन मिल जाता है तो और क्या फायदे होते हैं मशवरे की? मशवरा करना बहुत फायदेमंद चीज है इस, इसे हम सबको हमारे अंदर ये क्वालिटी आनी चाहिए ये आदत आनी चाहिए मशवरा करने से पहली बात जो काम हो रहा होता है ना वो काम सबके इतफाक से होता है सबकी शिरकत हो जाती है उस काम का में जो फिर जो तय होता है ना फैसला कि ये काम ऐसे करना है ऐसे करना है तो उसका जो फाइनल डिसीजन होता है उसमें सबकी शिरकत हो जाती है फिर इस दूसरों को साथ लेकर किसी मामले का फैसला किया जाएगा तो दूसरों को शरीक करने का फायदा होता है कि उस मामले में फिर जिम्मेदारी जो है ना वो शरीक लोग लेते हैं और जिम्मेदारी जो भी नतीजा आता है उसमें बराबर बराबर के जिम्मेदार हो जाते हैं अगर अच्छा है नतीजा तब भी और अगर कुछ गलत भी नतीजा आता है तो तो भी सभी की जिम्मेदारी हो जाती है उसमें किसी एक को ब्लेम नहीं होता फिर है ना और क्या फायदे हैं जब देखे ना जब हम मशवरा करते हैं तो बहुत से दिमाग जो है एक ही बात पर सोच रहे होते हैं तो फिर उस मामले में कई पहलू सामने निकल कर आते हैं हुँ? तो बेहतर डिसीजन लिया जा सकता है फिर और क्या इंपॉर्टेंट बात है कि जिससे मशवरा लिया जाता है ना तो वो अपने आप को इम्पोर्टेंट महसूस कर रहा होता है हाँ मुझसे मशवरा लिया जा रहा है तो उसकी अहमियत हम दे रहे होते हैं जिससे मशवरा ले रहे होते हैं तो फिर वो इंसान भी पूरा ताउन करता है अपनी तरफ से और मशवरा मशवरा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि मशवरा करने से आपस के एतमाद बढ़ते हैं आपस के तल्ल जो है ना वो अच्छे होते हैं मजबूत बन हो जाते हैं ताल्लुक लेकिन हाँ ये भी बात जरूरी है कि जिससे मशवरा लिया जा रहा हो ना तो उसको भी पूरी अमानत के साथ मशवरा देना चाहिए ये नहीं कि ऐसे ही कुछ ही गलत मशवरा दे दे क्योंकि हदीस में आता है अल अलमुस्ताशार तमान यानी कि जिससे मशवरा किया जाता है वो अमानती होता है समझ आई बात कि जिससे मशवरा किया जाता है ना वो अमानती होता है इसलिए ख्यानत नहीं करना चाहिए मशवरा देते वक्त जो चीज भी बेहतर हो उस मामले में वो ही बात बतानी चाहिए ठीक है और अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मशवरा तो ले लिया मशवरा तो सब लोगों ने दे दिया लेकिन जो अमीर होता है ना जो हुक्मरान होता है वो फिर उस मशवरे का पाबंद नहीं होता कि माने ही माने लाजिम नहीं हो जाता उसको मानना उसको फिर बेहतर फैसला करना है साहब के मशवरे सुनने हैं और उस मशवरों से अगर किसी का मशवरा पसंद आ रहा है तो वो कर ले उसको फॉलो और अगर नहीं पसंद आ रहा है उसको लग रहा है कि उसकी खुद की राय जो है वो सबके मशवरों से ज्यादा बेहतर है तो फिर वो अपनी राय के मुताबिक स्टेप लेगा वो पाबंद नहीं हो जाता मशवरों का ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए आगे जो है अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं अल्लाह तला आगे आयत में फरमा रहे हैं पहले तो ये बताया ना कि वशाविर फिल अम्र। फिर फरमाया फैजा अजमता फिर जब पुख्ता इरादा करें आप तो तवक्कल कीजिए अल्लाह पर यानी कि ये जो बात आ रही है ना ता ता जो है सिंगुलर है कि जब आप पुख्ता इरादा कर लें मतलब जो फाइनल डिसीजन है वो तो अमीर का हुक्मरान का ही होगा वो पाबंद नहीं है मानने के कि माने ही माने ठीक है अच्छा तो और क्या बताया जा रहा है फिर अः फैजा फा, आजम का अज़म आजम क्या होता है पक्का इरादा जिसमें तरद ना हो कि फिर जब तुम जब आप पक्का आजम कर लो पुख्ता इरादा कर लो मशवरा करने के बाद कोई फैसले पर आ जाओ फिर उस पर पुख्ता हो जाओ यानी कि वो काम आप कर डालो और बस अल्लाह पर तोल करो ठीक है फिर उस काम को कर जाओ अल्लाह पर तोल करते हुए उसका जो अंजाम है उसका जो नतीजा है वो अल्लाह ताला पर छोड़ दो अब जिस काम का इरादा किया है कि इसमें अल्लाह ताला इसमें जो है आप सोचते हैं कि इसमें उम्मत की भलाई है लोगों की खैर कुआई है और इस काम में अल्लाह ताला की रजामंदी भी है फिर उस काम को करने के लिए आगे बढ़ जाओ इख्तियार करो और कर जाओ उस काम को ठीक है बेशक अल्लाह तवक्कल करने वालों से मोहब्बत रखता है इनवाह युबुलतवी और तवक्कल क्या है सब जानते हैं हम कि अल्लाह पर अपना मामला छोड़ देना है लेकिन उससे पहले असबाब भी इख्तियार करना जरूरी है असबाब इख्तियार करना तवक्कल में ही आता है और तवक्कल करेंगे तो क्या इनाम मिलेगा इन नवाहा युबलमतवक्न अल्लाह ताला की मोहब्बत मिलेगी अल्लाह ताला मोहब्बत करता है तवक्कल करने वालों से और जब अल्लाह ताला मोहब्बत करता है फिर तो क्या कहने ऐसे इंसान पर अल्लाह की हिनायतें होंगी उसकी मदद आएगी अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाएगा ऐसा इंसान है ना अल्लाह ताला की रहमत में आ जाएगा ऐसा शख्स और अल्लाह ताला की रहमत सिर्फ दुनिया में नहीं आखिरत में भी और दुनिया में भी दोनों जगह ठीक है सही है चलें नेक्स्ट आयत पे आ जाते हैं लास्ट आयत आज की क्या फरमाया जा रहा है इन सुर कुमुल्लाहु फला गालिब लकुम अगर मदद कर करे तुम्हारी अल्लाह फला गालिब लकुम तो नहीं कोई गालिब आने वाला तुम पर वा इन यखजुलकुम और अगर वो छोड़ दे तुम्हें फमन जल लजी यंसुरुकुम मिन बादी तो कौन है वो जो मदद करेगा तुम्हारी उसके बाद वो अल्लाह ही मोमिनून और अल्लाह ही पर बस चाहिए कि तवक्ल करे ईमान वाले क्या फरमाया जा रहा है कि अगर तुम्हारी मदद अल्लाह करे तो फिर तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता क्यों क्योंकि तो मदद कौन कर रहा है अल्लाह ताला है ना जो खुद जो है अल अजीज है जो हर चीज पर गालिब है अल कहार है अल-जब्बार है अल्लाह ताला की अगर मदद आ जाए फिर कोई तुम पे गालिब नहीं आ सकता ना कोई इंसान ना कोई जिन ना कोई भी कोई भी मखलूक तुम पे गालिब नहीं आ सकती अगर अल्लाह की ताला की मदद आ जाए तो ये हमारा अकीदा होना चाहिए हमारे अकीदे की इस चीज की कमी है है ना और आगे क्या फरमाया अगर अल्लाह किसी का साथ छोड़ दे मदद ना करे उसको उसी के हवाले कर दे कि जब इंसान सोचने लगता है ना मैं मैं बड़ा कुव्वत वाला मैं बड़ा ताकतवर मैं बड़ा समझदार तो फिर अल्लाह ताला उसको उसी के हाल पर छोड़ देता है अपनी मदद हटा लेता है अल्लाह ऐसे इंसान पे से हम्म तो अल्लाह ताला फिर क्या कह रहे हैं चैलेंज के साथ फरमा रहे हैं अगर वो छोड़ दे तुम्हें तो फिर कौन है वो जो तुम्हारी मदद करेगा उसके बाद यानी कि अल्लाह ताला की मदद उठ जाने के बाद फिर कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा बताओ तो इंसान को ऐसे काम करने चाहिए जिनसे अल्लाह ताला की रहमत आती है जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है और ऐसे काम से बचना चाहिए नहीं है और सिर्फ अल्लाह ताला पर ही भरोसा करना चाहिए ईमान वालों को ये जो बात हो रही है वाल फलो अल्लाह पर तवक्ल करना ये ईमान का तकाज़ा है ठीक है अल्लाह ताला पर पर तवक्कल बहुत ज्यादा जरूरी है सही तो हमने क्या सीखा अभी जो पिछली आयत में बात हो रही थी Especially, अपने अखलाक को अच्छे करने की जो जो बात आप में थी वो हमें अपने अंदर भी लानी चाहिए हुँ? आप ने हमारे लिए भी यही तलकीन की कि हम भी नरम दिल बने अच्छे अखलाक इार करें हदीस में आता है आप सल्लम ने फरमाया क्या मैं ना बताऊ तुमको कि आप पर हराम कौन होगा या आप किस पर हराम होगी हर उस शख्स पर जो करीब है यानी कि अलाकुल्ली करीबिन ये सहलुन ये चार क्वालिटीज़ बता दी कि किस शख्स पर आग हराम होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है देखें करीबिन है सहल हर उस शख्स पर जो करीब है, है आसान है मुतवज्जे नर्म मिजाज वाला है हा? लई सहल ये सारी चीजें जो अगर जिसमें होंगी उस पर आग आराम है यानी कि करीब से क्या मुराद हो गई जो लोगों से करीब है लोगों से घुलने मिलने में उसको मुश्किल नहीं होती या लोगों को उससे मिलने जुलने में मुश्किल नहीं होती है हम्बल है खुद को बड़ी चीज नहीं समझता लई नरम है नरम दिल सख्त दिल नहीं है कि किसी की कोई फिक्र नहीं और जो हो रहा है होने दो ये वो सहलुन आसान है यानी कि उस इंसान से मामला करना भी आसान होता है उस इंसान में कोई सख्ती नहीं होती होती इज्जतबाजी नहीं होती आराम से इंसान मामला कर सकता है मिलजुल सकता है उससे अपनी बात कह सकता है उससे हम्म तो ये सारे किरदार हमें अपने अंदर लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और एक और हदीस से हमें पता चलता है कि तीन किस्म के लोग जन्नत वालों में से हैं उसमें से जो बताया दो तो हैं एक मेहरबान शख्स दूसरा नरम दिल नरम दिल हर रिश्तेदार और मुसलमान के लिए तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने अखलाक को कितना सुधारने की जरूरत है हम सभी को है ना जो है आग हराम कब होगी जब ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर होंगी अभी तो लगता है हमारे अंदर ये सारी ऑपोजिट क्वालिटीज भरी पड़ी हैं। हम्म चले अल्हम्दुलिल्लाह आज का सबक यहीं पे पूरा होता है